इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट 3। हम लोग पहले इसको YouTube पर फर्स्ट पार्ट को पूरा कर चुके हैं। आइए इसको रिफ्रेश करते हैं। बाइंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्मेट में। सबसे पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन थीम क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज को डिस्क्राइब करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब्स इंटर रिलेशन, आपसी संबंध बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो एस्पेक्ट यहां समझिए। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के कोरिलेशन को, इंटर रिलेशन को डिस्क्राइब करेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहला पार्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शंस, और दूसरा पार्ट रिडॉक्स रिएक्शंस ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो मेन एस्पेक्ट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन से। और दूसरा पार्ट रिडॉक्स रिएक्शंस किस तरह से हम लोग करा सकते हैं? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। आइए हम लोग देखें कि ये जो यूनिट है वो आपके बुक में या आपके न्यूमेरिकल बुक में कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो पहला जो एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन, इसको एक्सप्लेन किया गया है किस हेडिंग में? गैल्वेनिक सेल में। दूसरा एस्पेक्ट जो है रिडॉक्स रिएक्शन ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको एक्सप्लेन किया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब यहां इलेक्ट्रॉन पास कराना है किससे? आयनिक सब्सटेंस के सॉल्यूशन से या मोल्टन आयनिक सब्सटेंस से। इसलिए तीसरा पार्ट जो इन बिटवीन देम होगा वह है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इस यूनिट को हम लोग तीन पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शंस, दूसरा पार्ट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
और तीसरा पार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए हम लोग पहले पार्ट को एकदम बिगिनिंग से शुरू करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों के लॉस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसको कहेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के समेशन को। क्यों समेशन करेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर सिमल्टेनियसली, हमेशा साथ साथ में होगा। एंड कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी चीज का लॉस एंड गेन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। अगर आप एक मार्कर, जैसे मार्कर है, किसी को देना चाहते हैं तो कब दे सकते हैं? जब कोई लेने वाला हो। आप फेंक सकते हैं, लेकिन डोनेट तभी कर सकते हैं जब कोई एक्सेप्ट करने के लिए सिस्टम में मौजूद हो। तो लॉस एंड गेन किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का तभी संभव है जब डोनर और एक्सेप्टर दोनों मौजूद हो। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? सब एटमिक पार्टिकल है। तो लॉस तभी हो सकता है जब कोई गेन करने वाला हो, गेन तभी हो सकता है जब कोई लॉस करने वाला हो। कोई देने वाला हो तो देने वाला हो तो कब दे सकता है? जब कोई लेने वाला हो। लेने वाला कब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? जब कोई देने वाला हो। इसलिए जब भी होगा साथ साथ होगा, और पूरे रिएक्शन को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। इसके हैपनिंग के आधार पर रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। आज का हमारा फोकस इन्हीं दो रिएक्शंस पर होगा, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों के डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के डिफिनीशन और दोनों के कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स के साथ। आइए हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को पहले देखें।
डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग पहले देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है। इफ ऑक्सीडेशन एंड अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम वेसल में हो, सेम सॉल्यूशन में हो, इस तरह से कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर सॉल्यूशन के माध्यम से हो, तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहला केस अकर इन सेम वेसल एक ही बर्तन में हो, अकर इन सेम सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन में हो, सच दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज थ्रू द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किसके माध्यम से हो, सॉल्यूशन के माध्यम से हो, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग डिफाइन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कंडीशन को डिस्कस किए, अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर लें। यहां सेम की जगह पर डिफरेंट वेसल्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग सॉल्यूशन में हो और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज थ्रू द कंडक्टर वायर इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल दोनों के लिए लें, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एग्जांपल लें। एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल ले रहे हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। लेट अस कंसीडर और लेट अस टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ग्लास बीकर में, कांच के बने बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें, उसमें जिंक रॉड प्लेस्ड इन इट। उसमें हम लोग जिंक रॉड को रखें, क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एंजमेंट, क्या कर रहे हैं एक ग्लास बीकर में हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें। ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें क्या रखें
एक जिंक रॉड को। विथ इलैप्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा, क्या हम लोग परिवर्तन देखेंगे? अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले जिंक रॉड का मास मेजर कर लें तो यहां देख रहे हैं कि मास घट रहा है, यहां कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। हम लोग क्या लिए हैं? जिंक रॉड प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले सकते थे, चलिए हम लोग यहां कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए। अब हम लोग देखें कि क्या परिवर्तन होता है। ऑब्जर्वेशंस, we find that zinc rod has decreased in mass. उसके मास में कमी आई। इसका मतलब सम ऑफ जिंक एटम्स पास इनटू सॉल्यूशन, वो कहां चले गए? सॉल्यूशन में। लेकिन सॉल्यूशन में कोई भी मेटल एटम डिजॉल्व नहीं होता है, मेटल केटायन डिजॉल्व होता है एज जिंक प्लस प्लस आयंस। तो जिंक रॉड से कुछ एटम जिंक प्लस प्लस आयन के रूप में सॉल्यूशन में गया बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सम कॉपर डिपॉजिट्स इन द बॉटम, बीकर के बॉटम में। लेकिन हम लोग कॉपर तो लिए नहीं थे, कॉपर किस रूप में लिए थे? कॉपर सल्फेट मतलब सी यू प्लस प्लस आयन के रूप में। इसका मतलब सम ऑफ सी यू प्लस प्लस आयन्स आर चेंज्ड इनटू कॉपर, और जब वो मेटल के रूप में चेंज कर गया तो इनसॉल्युबल हो गया। अभी कहे कि मेटल डिजॉल्व नहीं करता है, मेटल केटायन डिजॉल्व करता है। सी यू प्लस प्लस डिजॉल्व था, सी यू में चेंज हुआ प्लस टू से जीरो, ये हुआ रिडक्शन। तीसरा परिवर्तन हम लोग क्या देखें? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखें, कॉपर का, कॉपर प्लस का, कॉपर प्लस प्लस का, देखें कि किस अवस्था में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कॉपर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक। Cu प्लस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। Cu प्लस प्लस में आए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s0। अब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है
जिस आयन के पास उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट करता है। ZN का देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। जिंक प्लस प्लस के टाइम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s0। अब यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो, इसका कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस। इसका क्या होगा? कलर्ड। ब्लूइश कलर होता है Cu++ आयन वाले कंपाउंड्स का। तो जैसे जैसे Cu++ हटेगा और Zn++ बनेगा, क्या होगा? कलर फेड करेगा। कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स फीका पड़ते जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, चौथा ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस स्लाइटली, बढ़ जाता है थोड़ा सा। क्यों? सिंस केमिकल इनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का जो केमिकल इनर्जी है, रिडॉक्स रिएक्शन का जो केमिकल इनर्जी है वो चेंज कर जाता है इनटू हीट या हीट इनर्जी। इसलिए टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन हल्का बढ़ जाता है। अब इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बर्तन में हो रहा है, एक ही सॉल्यूशन में हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके माध्यम से हो रहा है? सॉल्यूशन के माध्यम से हो रहा है। इसलिए ये हो गया डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इन अबव एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर इन सेम वेसल, एक ही बर्तन में, इन सेम सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन में। किस तरह से? सच दैट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इज थ्रू द सॉल्यूशन। किसके माध्यम से? सॉल्यूशन के माध्यम से। तो बाय डिफिनेशन इट इज अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग आइए इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में। पहले कंडीशन बता चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो साथ साथ, लेकिन अलग अलग बर्तन में, अलग अलग सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंडक्टर वायर से होगा, तो कहेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। आइए हम लोग क्या कंसीडर करें या क्या लें। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, लेट अस टेक
सबसे पहले हम लोग क्या लें, जिंक रॉड प्लेस्ड इन, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड, कॉपर रॉड प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कहाँ रखें, इन टू सेपरेट बीकर्स, दो अलग अलग बीकर में, द टू सॉल्यूशंस, इन दोनों सॉल्यूशन को बी कनेक्टेड बाय एन आयनिक मीडियम, जिसको आगे चल के हम लोग डिफाइन करेंगे सॉल्ट ब्रिज के नाम से। द टू मेटल रॉड्स बी कनेक्टेड बाय ए कंडक्टर वायर, और कंडक्टर वायर कैसे लेंगे, जिसका रेसिस्टेंस न्यूनतम हो, विथ ए वोल्ट मीटर फिटेड इन सर्किट, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिंक रॉड को कहाँ रख रहे हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर रॉड को कहाँ रख रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, दो सेपरेट बीकर्स में, और दोनों सॉल्यूशन को एक आयनिक मीडियम से जोड़ दिए, और दोनों मेटल रॉड को कंडक्टर वायर से जोड़ दिए, और एक वोल्ट मीटर सर्किट में फिट किए। अब देखिए कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कैसा आएगा, क्या आएगा। इसमें हम लोग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिए, इसमें क्या रखे, जिंक रॉड, दूसरा में क्या रखे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें क्या रख दिए, कॉपर रॉड, इस दोनों सॉल्यूशन को एक आयनिक मीडियम से जोड़ दिए, और इस दोनों रॉड को एक कंडक्टर वायर से जोड़ते हुए वोल्ट मीटर लगा दिए, विथ एलैप्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि जिंक रॉड के मास में कमी आई। बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग मास को वे कर लें तो क्लियर हो जाएगा किसके मास को, जिंक रॉड और कॉपर रॉड को, तो क्लियर क्या हो जाएगा कि कॉपर रॉड के मास में इंक्रीज हुआ, कॉपर रॉड के मास में इंक्रीज हुआ जबकि जिंक रॉड के मास में कमी आई। अब हम लोग इसका ऑब्जर्वेशंस देखें कि क्या सब परिवर्तन हमको दिखाई पड़ेगा।
शुरुआत में ही हम कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिएक्शन रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ये बातें अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला जिंक रॉड लूजेज मास, इसका मतलब सम ऑफ जिंक एटम्स, कुछ जिंक एटम पास इनटू सॉल्यूशन, वो कहाँ चले गए, सॉल्यूशन में, लेकिन किस रूप में जाएंगे, कैटायन के रूप में, जिंक प्लस प्लस आयंस, तो जिंक से जिंक प्लस प्लस आयन कैसे बनेगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सम कॉपर डिपॉजिट्स ऑन कॉपर रॉड, दैट इज सम ऑफ Cu++ ions change into Cu++ से Cu, Cu++ ion जो सॉल्यूशन में था वो चेंज कर गया किसमें, कॉपर में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिडक्शन हुआ। वोल्ट मीटर सोज डिफ्लेक्शन, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन होता है, इसका क्या मीनिंग हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर, वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर वायर से हुआ, इसलिए मतलब सर्किट से हुआ, इसलिए वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन शो किया। और क्या हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं बदलता है, सिंस केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात वो कहाँ खर्च हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में। अब इस एग्जांपल में, इन अबव एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है साथ साथ, अकर इन सेपरेट वेसल्स एंड सेपरेट सॉल्यूशंस, अलग अलग सॉल्यूशन में। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज थ्रू द सर्किट, थ्रू द कंडक्टर वायर, इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं
इट इज एन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के शर्तों को यह पूरा कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन तो समझ गए, लेकिन कोई भी एंड एक नई समस्या का या नई सोच का जन्म देता है। तो हम लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था कि जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड। आइए हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड को डिफाइन करें। सिंगल इलेक्ट्रोड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले बेसिक डिफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ए मेटल इन ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज अ सिंगल इलेक्ट्रोड। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड कहेंगे। जैसे जिंक इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे सिल्वर इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जैसे आयरन इन आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, आगे चल के हम लोग डिफाइन करेंगे, ए कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट एंड रिड्यूस्ड स्टेट, रिड्यूस्ड स्टेट इज कॉल्ड अ सिंगल इलेक्ट्रोड। आप कहिएगा कि नहीं समझ में आया। देखिए जिंक जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ प्लस टू, यहाँ जीरो प्लस टू, यहाँ जीरो प्लस वन, जीरो प्लस थ्री। तो ये कॉम्बिनेशन किसका हुआ, एफ ई और एफ ई प्लस थ्री, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और रिड्यूस्ड स्टेट। इसी तरह से किसी भी केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और रिड्यूस्ड स्टेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड। जैसे MnO4- और Mn++, यहाँ प्लस सेवन ऑक्सीडाइज स्टेट, प्लस टू रिड्यूस्ड स्टेट। जैसे Sn+4, Sn+2, प्लस फोर प्लस टू ऑक्सीडाइज स्टेट रिड्यूस्ड स्टेट। केमिकल स्पीसीज के ऑक्सीडाइज स्टेट और रिड्यूस्ड स्टेट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड। अब आगे हम लोग डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे, स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड। ए सिंगल इलेक्ट्रोड अंडर द
स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन में अर्थात पहला शर्त कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन या आयन्स 1 mole per liter. दूसरा, या इसी में लिख दें कि अगर गैसियस एलिमेंट है, गैसियस कंपोनेंट है, तो उसका कंसंट्रेशन नहीं लेकर के प्रेशर लेंगे 1 atmospheric. टेम्परेचर, टेम्परेचर 25 degrees Celsius, और ये बराबर हो जाएगा 25 + 273, 298 kelvin. और तीसरा, द कंपोनेंट इज इन इट्स मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फिजिकल स्टेट. एट 25 degrees Celsius जो उसका थर्मोडायनामिक स्टेट होता है, जैसे मरकरी है तो लिक्विड, तो इस तीन शर्त को अगर पूरा करता है नोन एज अ स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड. ऐसे सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड. अब सिंगल इलेक्ट्रोड के डिफिनीशन के बाद आप समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या लिए थे, जिंक का सिंगल इलेक्ट्रोड और कॉपर का सिंगल इलेक्ट्रोड, दो डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड्स को हम लोग लिए थे. अब जब दो डिफरेंट सिंगल इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट किए तो उसके बीच क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हुआ. इलेक्ट्रॉनों का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए क्या चाहिए, कि प्रत्येक सिंगल इलेक्ट्रोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए. इसका मतलब जब हम लोग जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डालें या कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल जेनरेट हुआ. तो अब हम लोग देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ पोटेंशियल एट सिंगल इलेक्ट्रोड. आप यहाँ तक रिवाइज कर लें, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ पोटेंशियल एट सिंगल इलेक्ट्रोड.